सीडीएस बनाने के लिए अनिल चौहान बनाए गए 4-स्टार जनरल। आइए जानते हैं क्या होता है 4-स्टार या 3-स्टार रैंक का मतलब, जो कि बहुत लोग नहीं जानते। देश को एक दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल चुके हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पदभार ग्रहण कर चुके हैं। 61 वर्षीय लेफ्टिनेंट जनरल चौहान पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, तब वह सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस रह चुके थे। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान पिछले साल 3-स्टार रैंक से रिटायर हुए थे। उस समय वो ईस्टर्न कमांड के प्रमुख थे। सीडीएस बनते ही वो 4-स्टार अफसर बन गए हैं। वो देश के पहले ऐसे अफसर हैं जो 3-स्टार रैंक पर रिटायर होने के बाद 4-स्टार पर वापस आ रहे हैं। आइए समझते हैं कि सेना में 4-स्टार और 3-स्टार रैंक का क्या मतलब होता है। इंडियन आर्मी में 4-स्टार रैंक के सेना प्रमुख यानी जनरल होते हैं। भारतीय सेना का सबसे ऊंचा एक्टिव पोस्ट, इसके कंधे पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के साथ एक सितारा और एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बैटन और सेबर होते हैं। 4-स्टार जनरल का रैंक 3-स्टार लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक से ऊपर होता है। जनरल के ऊपर सेना में सिर्फ एक ही पद होता है, वह है 5-स्टार फील्ड मार्शल। भारतीय सेना में आज तक 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं, एक KM करियप्पा और दूसरे सैम मानिकशॉ। इनके कंधे पर शेर का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और उसके नीचे कमल के फूलों के घेरे में क्रॉस, बैटन और सेबर होता है। जनरल के रैंक के बराबर वायु सेना में एयर चीफ मार्शल और नौसेना में एडमिरल होते हैं। कंधे पर लगने वाले प्रतीक चिन्ह से ही पदों का अंतर पता चलता है। असल में भारतीय थल सेना को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कमीशन किए गए अधिकारी, जूनियर कमीशन अधिकारी और गैर कमीशन अधिकारी और सैनिक। हर एक की वर्दी पर पद के अनुसार कंधे पर कुछ तारे और प्रतीक चिन्ह होते हैं। कंधों पर लगे बैज और बने चिन्हों से सेना में पद का पता चलता है, ताकि नीचे के अफसर और स्टाफ उन्हें उपयुक्त सम्मान दे सके। जनरल को फुल जनरल या 4-स्टार जनरल के तौर पर पहचाना जाता है। सीडीएस की वर्दी पर लगा प्रतीक चिन्ह आप ऐसे पहचान सकते हैं, सोने के धागों से बना ट्राई सर्विस प्रतीक चिन्ह, जिसमें नौसेना का एंकर, सेना का तलवार और एयरफोर्स का बाज बना होता है, साथ में अशोक चक्र का चिन्ह होता है। ये चिन्ह कंधे पर होता है, जबकि कॉलर पर मरून रंग के पैच होता है, जिसके ऊपर 4 गोल्डन स्टार बने होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल 3-स्टार रैंक के अधिकारी होते हैं। 36 साल की कमीशन नौकरी और चयन से मिलता है ये पद। इसी पद के अधिकारियों को सेना का उप प्रमुख पद दिया जाता है। इनके कंधे पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बैटन और सेबर होते हैं। जनरल के बाद यह सेना का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। नौसेना में इनके बराबर का पद वाइस एडमिरल और वायुसेना में एयर मार्शल का होता है।